श्री नाम माला की प्रारंभ है। ओम नमः सिद्धं। ओम नमः सिद्धं। नाम माला ग्रंथ गुरु महाराज के शिष्य मंडल का परिचय है। इस ग्रंथ में 43,45,331 शिष्यों की नामावली है। पृष्ठ क्रमांक 430 पर दाईं ओर पांचवी पंक्ति सबसे अंतिम संख्या मिल गई। जोड़ कर 43,45,331 ये पूरी संख्या है। और अब हम प्रारंभ से जहां से वांचन करेंगे, यहां से अंत तक जितनी भी संख्याएं आएंगी, उन सारी संख्याओं का जोड़ अंत में 43,45,331 हुआ है। अभिप्राय यह है कहने का कि नाम माला ग्रंथ में गुरु महाराज के पूरे शिष्य मंडल का परिचय है। नाम की माला है, किन किन स्थानों से, कितने कितने लोग, किन किन जातियों के गुरु महाराज के पास आए, उन्होंने उनकी शिष्यता ग्रहण की और गुरु महाराज ने सारी जातियों के लोगों को गले लगाया, मार्ग दिया, अध्यात्म के मार्ग में स्थित किया, उनकी पूरी नामावली है। इसमें जाति पांति का कोई भेदभाव नहीं है। आप स्वयं वांचन करेंगे अभी और देखेंगे कि किन किन जातियों के लोग, शायद ही कोई जाति रही हो जिस जाति के लोग गुरु महाराज से न जुड़े हों। ये नाम माला इतिहास है। गुरु महाराज के कुछ प्रमुख शिष्य थे, उन्होंने इस ग्रंथ का संकलन किया है। उन चार विद्वानों के नाम भी इस ग्रंथ के अंत में आए हैं। क्योंकि शिष्य मंडल गुरु महाराज का था, उनके ही शिष्यों ने इन सब का संकलन किया, इसलिए ये ग्रंथ गुरु महाराज से ही जुड़ा हुआ है। विशेष करके नाम धाम अर्थ 36 को प्रथम पंक्ति आई है। नाम स्थान 36 अर्थ के 36 आरिकाएं थी गुरु महाराज के संघ में। कमलश्री, चरणश्री, कर्णश्री, सुवनश्री, हंसश्री, अव्यासश्री, दीप्तिश्री, सुदीप्तिश्री, अभयश्री, सुर्खश्री, अर्थश्री, विंदश्री, नंदश्री, आनंदश्री, समयश्री, रमनश्री, अलकश्री, अगमश्री, सह्यारश्री, रमनश्री, सुरंजश्री, सुई वनश्री, क्षिपणश्री, ममलश्री, विंदश्री, समयश्री, सुनंदश्री, यारश्री, जानश्री, जयंश्री, लखनश्री, दीनश्री, भद्रश्री, मई वंश्री, सहश्री और पय वंश्री। नाम धाम अर्थ 36 को 36 आरिकाएं थी। 231 ब्रह्मचारिणी बहने थी और उनके संग में ब्रह्मचारी गण, व्रती श्रावक और लाखों की संख्या में 18 क्रियाओं का पालन करने वाले श्रावक थे। इस तरह से तारण पंच का एक विशाल वट वृक्ष तैयार हुआ था। वह पूरा वंश वृक्ष इस नाम माला ग्रंथ में लिपिबद्ध हुआ है। राजाओं के कुटुंब गुरु महाराज के शिष्य बने थे। ऐसे लगभग 7 राजा महाराजाओं के नाम भी नाम माला ग्रंथ में सम्मिलित हैं। गुरु महाराज तारण पंथ में 18 क्रियाओं का पालन करने वाले शिष्यों को और मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधकों को
श्रावकों को आशीर्वाद देते थे, अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्तिगामिनो, ये गुरुदेव का आशीर्वाद था। इस ग्रंथ में कई बार आया है, जितने जितने भी ग्रुप आए उसी समय उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उन विद्वानों को धन्यवाद है कि जिन्होंने हर ग्रुप के बाद जब जब भी गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया होगा उन्होंने उसी समय वह आशीर्वाद वहां नोट किया है जो इसमें उल्लिखित है। सुवनी शब्द जो आया है यह ब्रह्मचारिणी बहनों के अर्थ में है। प्रारंभ करेंगे नाममाला ग्रंथ का वाचन। श्री नाममाला जी, नाम शाम अर्क छत्तीस को महाउत्पन्न कलि कमल ज्ञान श्री उत्पन्न अर्चिका बलन कमल कल कमल श्री उत्पन्न पति तारण तरन कमल श्री आरिका की दीक्षा सबसे पहले हुई। कमल श्री माता जी 36 आरिकाओं में प्रमुख थी, गणनी आरिका थी, विदुषी साध्वी ज्ञानवान, अपने स्वभाव की साधना में संलग्न रहने वाली आरिका थी, जिनका सबसे पहले यहां उल्लेख हुआ। कमल श्री माता जी के निमित्त से कितने लोग तारण पंथ की अध्यात्म आमनाएं में संकल्पित हुए उसका यहाँ उल्लेख है। तस्य उत्पन्न शुभ पांच दीप्ति दिन 53,131 रुई जिन 21,774 कलन जिन 3,372 मेघ कुमार 7,784 अनमोय रुई जिन सुगनी 3 कल्प श्री अल्प श्री स्वल्प श्री कमल कलि कलन प्रवेश सत सही। सुगनी 3 से मतलब ब्रह्मचारिणी बहने, इनकी और सखी बहने जो इनके साथ रहकर साधना आराधना करती थी उनके नाम है सखी बहनी 4 सत्य श्री विक्त श्री विवान श्री निलय श्री। अब इनमें विवान श्री के निमित्त से कौन कौन उत्पन्न हुए उनके नाम, विवान श्री के उत्पन्न 5 ये नंद श्री सेन हर कुमार कलन सेन कुंवर श्री दर्श कुमार दादे शेय कुमार चंद पारो वन सेन प्रदेश राठौर। इतने भव्य जीव गुरु महाराज के चरण शरण में आए और इन सबको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो, आशीर्वाद का अभिप्राय है कि जिन श्रेणी की अनुमोदना करो, वीतराग श्रेणी की अनुमोदना करो और आत्म ध्यान में लीन होकर मुक्ति के अधिकारी बनो, मुक्ति को प्राप्त करो। सुगनी 2 कृपण श्री मिलन श्री विक्त श्री के उत्पन्न 5 दीप्ति कुमार देव श्री सहज कुमार सहज श्री उक्त कुमार उदय श्री सुवन कुमार सुखमधु ताय कुमार प्रदेश सुगनी 3 दीप्ति श्री सुवन श्री संत श्री अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो, निलय श्री के उत्पन्न 5 सुवन रंज भीखम कलन कुमार मन सुख कलन रंज कर्म चंद लय कुमार नरदेव नंद कुमार प्रदेश सुगनी 3 स्वयं श्री ताल श्री सुल्प श्री अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो। सभी शिष्यों को गुरु महाराज एक ही आशीर्वाद देते थे, जिन श्रेणी की अनुमोदना करके आत्म ध्यान में लीन होकर मुक्तिगामी हो। और पुनः अब दूसरे अर्क की
महिमा महा उत्पन्न अर्जी का पट तारण तरण चरण श्री सत्य उत्पन्न दो रैन चंद चार सो चानन अनमोद विश्व सेन सुवनी दो मैन श्री ममल श्री महा उत्पन्न अर्जी का ज्ञान श्री अर्जी का पट तारण तरण करण श्री सत्य उत्पन्न तीन पै रमन पदम मै रमन मंडरिक शुभ रमन उनहत्तर जय सिंधु 1474 सुवनी दो परम श्री निलय श्री। यहाँ तक इकट्ठे इकट्ठे थोक में नाम हुए, आगे कुछ फुटकर नाम है। अभय कुमार 372 रंज कुमार 142 पदम कमल सत्य उत्पन्न 5 निलय रंज 372 गोविंद 243 विजय रंज तेल 27 ममल कुमार मढ़ा 227 दीप्ति रंज प्रदेश 307 अचुरमन प्रदेश सुवनी 3 जान सुवा मयन सुवा लीन सुवा अनमोल दिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो। पुनः फुटकर नाम है रमन रूप रूपा रमन रंज गणेश परम सुवा पार्वती नंद रूपा नाथ दान रूपा देवरा महा उत्पन्न ज्ञान श्री अर्जिका पट तारण तरण हंस तस्य उत्पन्न अनमोद किम रमन 372 रयन रमन 144 सुवनी 1 रयन श्री अनमोल जिन श्रेणी कदन मुक्ति गामिनो। महा उत्पन्न श्री ज्ञान श्री अर्जी का पट तारण करण सुवन श्री तस्य उत्पन्न 5 ममल कुमार नरसिंह 84 ममल रंज धारू 343 सुवन रंज कुमार 34 वन रंज 64 सुवन रंज सेठी 101 भू श्री अभय कुमार सुवनी 3 अलग श्री ममल श्री दीप्ति श्री निलय श्रेणी राजा निलय श्री रानी सत्यई स्वरूप उत्पन्न सुवृत्ति वहनी 4 सुवन पर्जन श्रेणी परम श्री अनुभव श्रेणी तस्य उत्पन्न ये ममल कुमार 54 दीन कुमार 52 लखन कुमार 72 रन सेन रमन 41 सुवनी 3 नयन श्री नृत्री प्रदेश वन श्री प्रदेश सुपन श्रेणी सत्यई तस्य उत्पन्न 3 रमन रंज राहुल 33 दीप्ति कुमार 33 निलय कुमार 3 श्री सुवनी 2 शील श्री स्वरूप 3 अनमोल जिन श्रेणी धर्मधारी सत्य उत्पन्न दीप्ति कुमार देव श्री 84 शिव कुमार शिवपति 31 वन रंज देव श्री 24 रैन रंज राय चंद 17 सहज रंज प्रवेश 47 सुवनी 3 मैन श्री पयन श्री स्वाग श्री की बहने 3 ऋषि रंज लाउन रवन श्री 67 महा उत्पन्न ज्ञान श्री अर्जिका पट तारण करण अवकाश श्री सत्य उत्पन्न 7 सुवन रंज चांदनु माहरु 137 कमल रंज धनपत पटवारी 312 सहज रंज चौधरी 36 नयन रंज मानिक 383 करण रंज 284 रमन रंज गुजर 307 लखन रंज इटाई 7 सुवनी 3 निलय श्री नैना ज्ञान श्री सहज श्री गुजरात 3 महा उत्पन्न ज्ञान श्री अर्जिका पट तारण तरण दीप्ति श्री। ये दीप्ति श्री माता जी गुजरात की थी और इनके साथ साथ जो निलय श्री नैना ज्ञान श्री सहज श्री ये भी गुजरात की थी। सत्य उत्पन्न 5 लखन रंज रतन श्री 477 ममल रंज 343 चंद्र रमन कमल श्री माहौर 576 मिलन रंज 84 सौनेरे रमन रंज प्रदेश 72 सुवनी 3 क्षिपन श्री जय वन श्री जय लखन श्री। महा उत्पन्न ज्ञान श्री अर्जिका पट तारण करण स्वयं दीप्ति श्री सत्य उत्पन्न 7 क्षिपन श्री राम श्री 19972 गमन रंज विमल 1714 सुवन श्रेणी शिव पारो 774 रमन रंज पंचायनु वन रंज सेव गनो 687
लखन ट्रेन गुजरात है, परम रंज इटाई सात सुवनी तीन मात श्री गमन श्री कुन श्री निगम मुक्ति गामिनो महाउत्पन्न श्री अर्धिका पारण तरण स्वयं अभय श्री सत्योत्पन्न पात वन श्रेणी प्रदेश 133 निशंक श्रेण प्रभु 116 रमन रंज रमन चंद 182 सरतार रंज चित्रु 115 अभय रमन अभय राज मुख जौ 331 सुवनी चार भुवन श्री ठाकुर श्री रमन श्री दर्श श्री महाउत्पन्न ज्ञान श्री अर्जिका पारण तरण स्वर्ग श्री सत्य उत्पन्न सात मेन कुमार 2972 कलब्ध कुमार लखन 156 दीन रंज लाल 127 नलिन रंज नामे 107 अतुर कुमार प्रदेश 233 सुवन कुमार प्रदेश 311 सुवन कुमार 343 सुवनी तीन अलग श्री दृष्टि श्री वन श्री अनमोल दिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो किन किन प्रदेशों से कितने कितने शिष्य गुरु महाराज के साथ जुड़े ये जैसे संख्या दी है। संख्या उस व्यक्ति के साथ आए हुए लोगों की है। जैसे निशंक त्रेण प्रभु 116 तो निशंक त्रेण प्रभु उस ग्रुप के मुखिया हुए, 116 लोग उनके साथ आए। रमन रंज रमन चंद के साथ 182 लोग आए, तार रंज छित्रु के साथ 115 लोग आए, अभय रमन अभय राज मुखजो के साथ 331 लोग आए। ये संख्याएं हैं और जो नाम है वो प्रतिनिधि का है जो संघ का मुखिया बनकर गुरु महाराज के साथ आया। विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न वर्ग और वर्णों के लोग गुरु महाराज के साथ जुड़े और अध्यात्म की आराधना के लिए समर्पित हुए। स्वर्ग श्री की बहने चार बहुप श्री प्रिय श्री भद्र श्री भुवन श्री बहुप श्री के उत्पन्न पांच सुवन कुमार सुमति 148 दीप्ति रंज देव श्री 237 मिलन रंज मानिक 339 शिवरंज लाल बिहारी पांडे 433 गुप्ती कुमार प्रदेश 519 सुपनी दो दान श्री रमन श्री अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो। एक के बाद एक ऐसी श्रृंखला जुड़ी है। आरिका माता जी की जागृति हुई, फिर उनके निमित्त से किन किन जीवों ने जागरण को उपलब्ध हुए वे गुरु महाराज से जुड़े, फिर उनके निमित्त से और बीच बीच में जो लोग आए उनके निमित्त से कौन कौन जुड़े, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है सारी कणियां। भुवन श्री के उत्पन्न पांच हर्ष कुमार हरु 33 उक्त रंज उदव 107 रैन रंज राम 41 हरु कुमार उदव को बेटा 33 ध्रुव कुमार प्रदेश 5 सुगनी 3 सहस्त्री सहस्त्री गाहस्त्री अनमोल दिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो 6767 प्रिय श्री सत्य उत्पन्न 5 टिपक रंज पेमु गुप्ति रंज गना दर्श रंज दादू रमन रंज रायचंद निलय रंज प्रदेश सुवनी दो सुश्री तिल श्री इन सबके लिए गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया अनमोल दिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो। इस तरह से विभिन्न स्थानों के लोगों ने गुरु महाराज के वीतराग मार्ग को ग्रहण कर अपने कल्याण का मार्ग बनाया। हम नाम माला इस दृष्टि से भर ना पड़े कि ये गुरु महाराज के शिष्यों की नामावली है, बल्कि ये ध्यान रखें ये सब हमारे पूर्वज थे, ये हमारे पूर्वजों की नामावली है। और हम तो एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, अभी शुभारंभ भी हुआ है, अगर थोड़ा सा उपयोग एकाग्र हो और अपने को 5-7 पीढ़ियों के नाम याद हो तो संभव है कि वो नाम नाम माला ग्रंथ में मिल जाए। हमारे बे पूर्वज
जिन्होंने गुरु महाराज की शिष्यता ग्रहण की और उस पीढ़ी से फिर हम यहाँ तक आए। ढूंढने की बात है, खोजने की बात है, एक दो लोगों को मिल भी गया है, नाम मिल गए, बात स्पष्ट मिल गए। तो ये सब अपने पूर्वजों के नाम है जिन्होंने तारण पंथ की प्रभावना में योगदान दिया, गुरु महाराज के मार्ग की प्रभावना की, उनके प्रति समर्पित रहकर धर्म की महिमा का ध्वज फहराया और हर तरह से गुरु महाराज के साथ रहकर साधना आराधना और धर्म की प्रभावना की। आज अपने को भी सौभाग्य मिला है, अपना नाम तो इस नाम वाला में नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब समर्पण का भाव है तो हम उनके साथ हैं। और नाम की तो अपेक्षा का प्रश्न ही नहीं है, काम होना चाहिए, नाम से क्या लेना देना, नाम तो बड़े बड़े लोगों की नहीं रहे, काम हो, मार्ग बने, रीत रास्ता प्रगट हो, धर्म की साधना और कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, ये बात महत्वपूर्ण है। अपने सियानों के नाम लिखे हैं, इतना ही पर्याप्त है, और उन्हें उसी भाव से मानचन करें जिससे अपनी अंतरंग की श्रद्धा और दृढ़ हो। ये किसी और का इतिहास नहीं है, अपना ही अतीत का इतिहास है। अपन भी इन नामों में कहीं ना कहीं रहे होंगे, ये नामावली में गुरु महाराज के समय अपना भी कहीं ना कहीं नाम रहा होगा, तो थोड़ी सावधानी से पढ़ना, हो सकता है कोई नाम कट हो जाए और ध्यान में आ जाए कि दे ही थे हम, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो अपने आप को दर्पण में देखने की बात है। गुरु महाराज के प्रति अपना श्रद्धा और समर्पण का भाव है, उन्होंने इन सारे ही भव्य आत्माओं को चेतना लक्षणो धर्मो अपम चाप तारम ममात्मा ममलम शुद्धम आदि अपने स्वभाव की साधना से संबंधित आत्मा के हित का उपदेश प्रदान किया था। आज गुरु महाराज प्रत्यक्ष रूप से तो अपने पास नहीं है, लेकिन उनके 14 ग्रंथ, उनकी वाणी आज हमें जो मार्गदर्शन दे रही है, ऐसा लगता है कि वे शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही प्रत्यक्ष वक्त उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। बस बात है गुरु के प्रति समर्पण की, समर्पण का भाव होगा, झुकेंगे हम तो नियम से वो अध्यात्म का अमृत हमारे पात्र में भर जाएगा। गुरु महाराज के इस मार्ग की यथार्थ समझ अपने अंतरंग में जगाएं और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, इसी में अपना सबका हित है, यही श्री गुरु का उपाय।